महाराज जी, इस समय देश में जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो सनातन धर्म के ऊपर ही होगा? निश्चित रूप से, कि मैंने बार बार कहा है, देखो मेरा स्वभाव है खुल कर बोलने का, मैं कोई चाटुकारिता नहीं करता। जब उदयनिधि ने सनातन धर्म की मिटाने की बात की, क्या इंडी के किसी नेता ने उसका विरोध किया? नहीं किया। मौनम स्वीकार लक्षणम। पर मोदी जी ने विरोध किया, बिना की रैली में खुलकर विरोध किया था। इसके पहले मेरा वक्तव्य शाम को हो चुका था। मेरे पूरे वक्तव्य को उन्होंने पढ़ा, उसकी भाषा पढ़ी, परिभाषा पढ़ी और खुलकर विरोध किया। तो अब तो निर्णय हो चुका है कि 2024 का चुनाव भी, ये विधानसभाओं का चुनाव भी धर्म और अधर्म के बीच ही हो रहा है। विपक्ष का जो जातिगत समीकरण है, बहुत गलत है ये। श्री राम पर नकारात्मक बयान देने वालों के लिए रामायण जैसे महाग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है उनके लिए, यही लिखा है कि जे यही बार मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिषित नरेख रविकर भो बारी, फिर है मृग जिंग जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने मन को नहीं धोया, उन्हें कलिकाल नष्ट कर दिया, अबे रात दिन भटकते रहेंगे, ये लिखा है। गुरु जी, भाजपा वर्सेस जो ये अब एक गठबंधन है इंडिया, इसमें जो है अब 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं और कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देखिए, आप जानकर मुझसे करवा रहे, पर मैं कह रहा हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी जी को ही मानता हूँ, वही बनेगी। क्या अयोध्या में जो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे चुनावी माहौल बदल जाएगा 2024 का? वो तो बदला हुआ चुनाव, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। ये तो बन रहा है, कोर्ट में हमने गवाही दी थी, हमारे पक्ष में निर्णय आया, तो मंदिर बन रहा है, इसमें चुनाव से क्या लेना देना इसका। इसराइल और फिलिस्तीन मामले में बहुत सारे नेता यहाँ के फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन गलत है, गलत है, बहुत गलत। गुरु जी, अपने जो देश की आबादी है उसमें ज्यादातर लोग जो है तनाव, उच्च रक्तचाप और कई और बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, क्या वो अध्यात्म से कैसे जुड़े जिससे उनको राहत मिल सके? बस मेरी कथा सुनते जाए, अपने आप लाभ हो जाएगा। एक आखिरी सवाल था गुरुदेव, आप जो है जगत गुरु हैं, तुलसी पीठाधीश्वर कहा जाता है, कहा नहीं जाता, मैं हूँ जी। आप जो पहले वाक वापस लो, वाक वापस ले लिया, क्या आप मानते हैं कि जो है चमत्कार पर विश्वास करना चाहिए? कुछ लोगों को होता, होने दो, नुकसान क्या है? गुरु जी, कहीं ना कहीं छोटेपन पे जो बच्चे अपराध कर रहे हैं उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, वो ऐसा क्यों उनकी मानसिकता बनती चली जा रही है? वो तो पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, पर आज कम हुआ है, धीरे धीरे कम होगा। और वक्ताओं को ऐसा वक्तव्य देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि माता पिता की गलती है कि माता पिता उनको समझाते नहीं। कुछ नेता आजकल हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत ज्यादा बयान दे रहे हैं, उनके लिए आपको क्या कहना है? चुनावी है, वे अस्त हो जाएंगे। सनातन के लिए एक संदेश दे दीजिए। सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के सनातन दुखों की सनातन निवृत्ति के लिए सनातन वेदों में जिन सनातन उपायों का सनातन संकलन किया था, उसी की सनातन संहिता का नाम है सनातन धर्म। महाराज जी, राम मंदिर निर्माण का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? स्वयं भगवान को। बस करें, गुरुदेव, हमारे यहाँ शास्त्रों में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित की जाएगी। आपने पहले पढ़ा है कि नहीं? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार व्यवस्था दी गई। वर्तमान समय में राम राज्य से अच्छी कोई संकल्पना एक सशक्त राष्ट्र की क्रिया हो सकती है? नहीं।
महाराज इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो प्रधानमंत्री के लिए मोदी का चेहरा देखते हैं और जो लोग सनातन के खिलाफ बोलते हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो अस्त हो जाएंगे। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।